थाना मनसुखपुरा परिसर से एक मामला सामने आया है, जहां अमरदीप लाल के नेतृत्व में हुई कार्यवाही में पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा दर्ज मुकदमों में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मालखाने में जमा 450 लीटर अवैध शराब नष्ट की। बता दें कि अवैध देशी शराब के 10,234 क्वार्टर और अंग्रेजी शराब के 2,430 क्वार्टरों को गड्ढा खोद कर नष्ट करके दफन किया गया। बरहन थाने के अय्याश दरोगा की करतूत और ऊपर से दरोगा के सहयोगियों के बचाव से पुलिस महकमे की साख पर बट्टा लग गया है। पुलिस कर्मियों के कारनामे को लेकर इलाके के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। उनका गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उनका कहना है कि थाना पुलिस पूरी तरह निरंकुश हो चुकी है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही सीमा हैदर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर बताया कि पीएम मोदी जी ने दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सीमा हैदर अपने बच्चों और पति सचिन मीणा के साथ केक काटकर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रही है और खुशी जाहिर कर रही है। कानपुर देहात में परिवहन कार्यालय के डीबीए का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि डीबीए किस तरह सामने खड़े युवक से रिश्वत लेता हुआ दिख रहा है। सोनभद्र पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने बमबारी की घटना में सन 2003 से फरार वांछित दो नफर हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। नक्सली संगठन पीपुल्स वॉर ग्रुप द्वारा थाना कोन क्षेत्र में वर्ष 2003 में बमबारी की घटना की गई थी, जिसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उक्त घटना के संबंध में थाना कोन में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिलाधिकारी सोनभद्र के निर्देशन पर भारत सरकार द्वारा प्रायोजित आपदा मित्र परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के 24 जनपदों में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ एवं राज्य आपदा मोचन बल के सहयोग से रवाना किया गया।